नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। कहते हैं बेटे अगर भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं, अगर बेटे अंश हैं तो बेटी वंश है, और बेटा आन है तो बेटी शान है। पर अफसोस, हमारे देश में कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं जो एक लंबे समय से बेटियों के साथ भेदभाव करते रहे हैं। इनकी कट्टर सोच के कारण बेटियों की अच्छी परवरिश और शिक्षा तो छोड़िए, बेटियां जन्म तक नहीं ले पाती। इसलिए भारत में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। पर आपको भी पता है, जड़ों तक जमी इस घटिया सोच को उखाड़ फेंकने में समय लगता है। बेटियों के चहुमुखी विकास के लिए सरकार हमेशा से अपनी योजनाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से कार्यरत रही है। सुकन्या समृद्धि, बाल समृद्धि, माफ कीजिएगा, बालिका समृद्धि, लाडली और सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बदौलत देश के हर राज्य में बेटियों के अनुपात में लगातार सुधार आ रहा है। तो आज विशेष में हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, जानेंगे इसके नतीजे और लिंगानुपात में सुधार को। इसके साथ ही जानेंगे बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना का मुख्य मकसद बालक बालिका अनुपात बढ़ाना है। दरअसल बालक बालिका अनुपात से ये पता चलता है कि किसी भी राज्य, शहर या पूरे देश में 1000 बालकों के अनुपात में कितनी बालिकाएं हैं। बेटियों को उनका हक मिले, यही इस योजना का मूल मकसद है। भारत में बालिका के भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेहद ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित हुई है। मानव अस्तित्व बेटियों पर टिका है, बेटियां हैं तो कल है। भारतीय समाज में बेटियों का दर्जा आदिकाल से ही बेहद ऊंचा और सम्मानजनक रहा है। बात चाहे आस्था की हो, सामाजिक ताने बाने की या दूसरे किसी क्षेत्र की, बुनियादी तौर पर बेटियों को कहीं भी बेटों से कम नहीं आंका गया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बेटियों पर अत्याचार भी किया गया और उसे हाशिए पर रहने को मजबूर भी। देश में बेटी बचाने पर कई वर्षों से बहस चल रही है। एक तरफ आर्थिक तरक्की है, विकास है, दुनिया की बड़ी ताकत बनने की होड़ है, तो दूसरी तरफ चुनौती है बेटियों को बचाने की, बेटियों को पढ़ाने की। इतिहास बताता है कि आजादी के बाद कई वर्षों तक बेटियों पर समाज और सरकारों का ध्यान नहीं गया। नतीजा, लिंगानुपात की खाई बढ़ती गई और समाज पुरुष प्रधान होता चला गया। सरकारी और गैर सरकारी तौर पर रोकने के प्रयासों के बावजूद कन्या भ्रूण हत्याएं हमारे देश की एक सच्चाई है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस बदनुमा दाग से अधिक आक्रामकता से निपटने का फैसला किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अपने दूसरे महत्वाकांक्षी अभियान की तरह चलाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की। इसको जो फॉर्मली लॉन्च किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसको 22 जनवरी 2015 में इसको एक्चुअली फॉर्मली लॉन्च किया था हरियाणा से। एंड बेसिकली ये जो स्कीम है, ये स्कीम एक्चुअली एक जॉइंट स्कीम आप कह सकते हैं, जिसमें बेसिकली 3 मंत्रालयों की इसमें भागीदारी है। सबसे पहले आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और आपके HRD मिनिस्ट्री या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एक जॉइंट इनिशिएटिव है। लड़कियों के साथ व्यापक स्तर पर सामाजिक भेदभाव के कारण बाल लिंगानुपात यानी CSR में कमी आई है। इस वास्तविकता से निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य बाल लिंग अनुपात में सुधार करना
और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अन्य विषयों का समाधान करना है। इस योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी 3 मंत्रालयों पर है। इनमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। योजना का मकसद भारतीय समाज में पितृसत्ता की मान्यताओं को खत्म करना है। शुरुआत से इस देश के 100 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया। बाद में इस देश के सभी 640 जिलों में इस योजना को लागू कर दिया गया। इस अभियान के तहत पूरे देश में लैंगिक अनुपात यानी स्त्री पुरुष अनुपात सुधारने और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और सेहत ठीक रखने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वाले भी अपनी बेटियों को आसानी से पढ़ा सकें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका जो जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो लिंग अनुपात है, जो मतलब लिंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, और उसको हम कैसे चेक किया जा सकता है, इसके लिए स्कीम की नींव रखी गई थी। दूसरा जो है, हम इंश्योर कैसे कर सकें कि जो बच्चियां हैं उनका सर्वाइवल और उनका प्रोटेक्शन, उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसके रिलेटेड इस स्कीम की नींव रखी गई थी। और तीसरा जो है, उनको हम एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, लड़कियों को उनकी उनकी जो शिक्षा की जो प्राथमिकता है वो कैसे दी जा सकती है उनको। ये योजना लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने पर भी केंद्रित है। इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार बच्चों के जीवन की रक्षा करना, उन्हें शिक्षित कर अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करने लायक बनाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है। देश भर में जन अभियान के माध्यम से सामाजिक मानसिकता को बदल कर और इस विषय पर जागरूकता पैदा करके इस योजना को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना की मुख्य रणनीतियों में सामाजिक लामबंदी एवं संवाद अभियान को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाने के साथ साथ बालिकाओं को समान महत्व दिलाया जा सके। 3 मुख्य मुद्दे थे। पहला था कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना, महिलाओं के प्रति, गर्ल्स के प्रति, बालिकाओं के प्रति। दूसरा था कि कैसे हम जो है वो शिक्षा जो है वो उस पर उसको बढ़ावा दे सके, ताकि जो है वो लड़कियां खास करके हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनरोल होएं और कंप्लीट करें एजुकेशन को। और तीसरा जो इसका जो ऑब्जेक्टिव इस परियोजना का रहा कि हम जो है वो अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को कैसे सुरक्षित और एक समृद्ध काइंड ऑफ भारत में उनको अपने फुल पोटेंशियल डेवलप करने का मौका मिल पाए। और मुझे बड़ा मतलब खुशी हो रही है आज आपको इस बारे में बताते हुए कि हमने इन तीनों मुद्दों पर एज अ कंट्री, एज अ टीम, हम लोगों ने काफी उसमें आगे बढ़ पाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति अपनाई गई। इसमें लोगों की सोच को बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना, स्थानीय नए उपायों से समुदाय तक पहुंचने पर बल देना, गर्भ पूर्व और जन्म पूर्व नैदानिकी तकनीक अधिनियम लागू करना और स्कूलों में लड़कियों के अनुकूल संरचना बनाकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना शामिल है। साथ ही शिक्षा के अधिकार को कारगर ढंग से लागू करना भी इसका हिस्सा है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया समेत विभिन्न मीडिया में कार्यक्रम को लेकर अभियान चलाने से जागरूकता बढ़ी। इस अभियान के तहत सामूहिक सामुदायिक कार्य और उत्सवों का आयोजन किया गया, जैसे लड़की का जन्मदिन मनाना, साधारण तरीके से विवाह को बढ़ावा देना, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को समर्थन देना, सामाजिक तौर तरीकों को चुनौती देने वाले स्थानीय चैंपियनों को पुरस्कृत किया जाना और इसके जरिए युवाओं और लड़कों को शामिल किया जाना भी शामिल है।
शुरू से ही था कि सबको जोड़ करके आगे बढ़ने की। तो इस योजना में सरकारी महकमे और तंत्र के लोग जो हैं उनके लिए इन्वॉल्वमेंट का स्पेस था, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे एनजीओज हैं उनके लिए था, लड़कियों के लिए खास करके एडोलेसेंट और यंग गर्ल्स को उनको कैसे इसमें भागीदारी और उनको जोड़ा जा सके। तो ये चूँकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस योजना को देखा गया जिससे ये हमें आज सक्सेस दिख रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाए गए। हर महीने इस बोर्ड में संबंधित गांव के बालक बालिका अनुपात को दर्शाया जाता है। ग्राम पंचायत हर लड़की का जन्म होने पर उसके परिवार को तोहफा भेजती है। ग्राम पंचायत की ओर से साल में कम से कम एक दर्जन लड़कियों का जन्मदिन मनाया जाता है। सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई जाती है। किसी गांव में अगर बालक बालिका अनुपात बढ़ता है तो वहां की ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाता है। बाल विवाह के लिए ग्राम प्रधान को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों को अभियान में शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात साल 1961 में 976 था, यानी उस वक्त 1000 लड़कों पर 976 लड़कियां थी। लेकिन अगले 50 सालों में इसमें भारी गिरावट देखने को मिली और 2011 में यह आंकड़ा 918 तक जा पहुंचा। यह हर लिहाज से बहुत चिंता की बात थी। लेकिन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से हालात में सुधार देखने को मिला और अब साल 2018-19 में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 931 हो गया है। शुरू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे 100 चुनिंदा जिलों में लागू की गई जहां बालक बालिकाओं का अनुपात बेहद कम था। बाद में इसके अच्छे नतीजे को देखते हुए 8 मार्च 2018 से इस योजना को देश के सभी 640 जिलों में लागू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का असर भी जल्द ही दिखने लगा। 2014-15 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, उस वक्त 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थीं। 2018-19 में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 931 हो गया, यानी 1000 लड़कों पर 931 लड़कियां हो गईं। इस तरह से लिंगानुपात में 13 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। यह राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उनके ड्रॉपआउट रेट्स में जो है वो कमी आई हुई है और आपके जो चाइल्ड सेक्सुअल रेशियो है वो भी उसमें भी वृद्धि आई हुई है। जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया था उस डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो उसका जो स्तर है वो बढ़ा है। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई थी उसके दौरान भी रजिस्ट्रेशन हुई है प्रेगनेंसी में और काफ़ी लड़कियों को स्कूल में भी जोड़ा गया है। इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हुई है। लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। अब वो घरों से जो है वो बाहर निकल के आ रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं समाज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100% वित्तीय सहायता के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत 2015-16 में 59 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की गई। 2016-17 में 28 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। वहीं 2017-18 में इस पर 169 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। 22 जनवरी 2015 को ये योजना हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी। इस वक्त जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति हरियाणा में बेहद ही खराब थी। जब ये मुहिम शुरू हुई तो हरियाणा राज्य के 20 में से 12 जिलों में लिंगानुपात की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से हरियाणा में स्थिति लगातार बेहतर होती गई। 2014 में हरियाणा में लिंगानुपात 871 था। हरियाणा में 2014 में 1000 लड़कों पर 871 लड़कियां थीं। यह राष्ट्रीय औसत से बेहद कम था। लेकिन अगले 5 साल यानी 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 923 पहुंच गया। हरियाणा में 2019 में 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां थीं। यानी 5 साल में हरियाणा में लिंगानुपात में 52 अंकों का सुधार देखने को मिला।
हरियाणा लिंगानुपात को 950 पर ले जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस योजना के शुरू होने के बाद पूरे देश में बाल लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। लगभग सभी राज्यों में स्थिति में सुधार हुआ है। सबसे पहला जो फायदा अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो डेटा ये बताता है कि हमारी लड़कियों का एनरोलमेंट काफ़ी बढ़ा है अगर हम पिछले 5 साल से की तुलना करें तो। दूसरी तरफ हमें सिर्फ इनरोलमेंट ही स्कूल में नहीं बढ़ा है बट उनका रिटेंशन स्कूल के अंदर जो कई बार होता था कि लड़कियां जो हैं वो एक लेवल पे आने के बाद से स्कूल से बाहर हो जाती थी, तो वो उसमें बदलाव आया है। वहाँ भी उन एरियाज़ में जहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ भी एक पॉजिटिव एक बदलाव दिख रहा है लोगों में लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो जागरूकता और उनका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, पार्टिसिपेशन का जो सोच है उसमें लोगों में बदलाव आ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से समाज में बेटियों के प्रति नजरिया बदल रहा है। इस दिशा में कई राज्य और जिले इस योजना को लागू करने में काफी बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे ही राज्यों और जिलों को पिछले साल सितंबर में दिल्ली में हुए कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में शानदार प्रदर्शन करने वाले 5 राज्यों और 20 जिलों को सम्मानित किया गया। इन राज्यों और जिलों ने बालक बालिका अनुपात सुधारने और जागरूकता पैदा करने में बेहतर प्रदर्शन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने में एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली समेत 5 राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह राज्य अपने प्रयासों से जन्म के समय लिंगानुपात सुधारने में कामयाब रहे हैं। इनमें हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को भी पुरस्कृत किया गया। इनमें अरुणाचल प्रदेश का पूर्व कमेंग, हरियाणा का महेंद्रगढ़ और भिवानी, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, तमिलनाडु के नमक्कल और तिरुवल्लूर जिले शामिल हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र का जलगांव, उत्तर प्रदेश के इटावा और फरुखाबाद, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, राजस्थान के जोधपुर और नागौर और गुजरात का अहमदाबाद भी इस सूची में शामिल है। हिमाचल प्रदेश की मंडी और शिमला, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ और कर्नाटक के गदक के साथ ही नागालैंड के वोखा जिले को भी सम्मानित किया गया। आज हमारे पास जो डेटा है वो 2011 का सेंसस का डेटा है, आज हम 2020 में हैं, तो वो डेटा का बहुत ज़्यादा महत्व आज 10 साल बाद रह नहीं जाता है। और उस समय हमें पता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो लिंग अनुपात बहुत अच्छा नहीं रहा है, खास करके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस तरह के स्टेट्स में और इवन दूसरे स्टेट्स में भी। 10 साल बाद बहुत काम हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है उसका एक बहुत मुख्य बिंदु इस क्षेत्र में, इस एस्पेक्ट में काम करने का रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर अपॉर्चुनिटी यूज़ की है इस बात को बताने के लिए कि कैसे हमें अपनी बेटियों की, अपनी महिलाओं के लिए एक एक नेशन, एक कंट्री के तरह हमें काम करना है। मैं कहूँगा कि अवेयरनेस जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हर एक स्तर पे, जैसे मैंने आपको कह रहा था कि अलग अलग स्तर होते हैं, तो हर एक स्तर पे कैसे हम अवेयरनेस जनरेट हम करें। लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे आए लड़कियों में, इसके लिए कार्यरत होने की ज़रूरत है। डिफरेंट स्कीम्स हम ला सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है इस चीज़ की हम ये कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से देश की मानसिकता में बदलाव आया है। इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में जनगणना के मुताबिक भारत में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी, जबकि 2001 में 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। इस तस्वीर को बदलने के लिए बाल लिंगानुपात पर खास ध्यान दिया गया, यानी जन्म से 6 साल तक की आयु तक के बालक और बालिकाओं का अनुपात। बाल लिंग अनुपात को बेहतर करने के लिए साल 2015 से भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर कई कार्यक्रम चलाए। इस दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके काफी सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत सरकार देश के सभी राज्यों में बालिकाओं के बेहतर विकास और भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और छात्रवृत्ति योजना समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो बालिकाओं के विकास और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए नजर डालते हैं इन योजनाओं पर। बेटियां हैं तो आज है, बेटियां हैं तो कल है। बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने बालिकाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने, लिंगानुपात को बढ़ाने, बेटियों को आर्थिक सहायता देने, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ देने से लेकर बेटियों की शादी तक के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई हैं। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बेहतरीन योजनाओं में शामिल है। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की थी। सुकन्या समृद्धि योजना के कई लाभ हैं। बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक किसी भी समय सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है। एक बालिका के नाम से सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है। ये योजना माँ बाप पर बेटियों की शिक्षा और शादी के आर्थिक बोझ को कम करती है। बचत खाता मात्र 250 रुपए की न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर देने वाली योजना है। लड़की के 18 वर्ष के होने पर शिक्षा के खर्च के लिए जमा राशि में से 50% निकाला जा सकता है। उसके बाद 21 साल का होने पर खाता धारक बालिका के विवाह के समय खाते से पूरा पैसा निकाल सकता है। खाते को भारत में किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खुलवाया जा सकता है। बालिका के इस खाते पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगता है। नवंबर 2017 तक इस योजना के तहत 1,26,00,000 खाते खुलवाए गए हैं और इनमें 19,183 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में खाता धारकों की ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में है कि किस तरह से जो है वो हेल्प करता है लोगों को स्मॉल सेविंग्स के माध्यम से बच्चियों के लिए सेविंग्स को जमा करना जो है, और छोटे 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 काइंड ऑफ सेविंग्स जो बहुत सारे लोग जो डेली वेज अर्नर हैं या हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो कैसे अपनी बेटी के लिए एक अकाउंट खोल करके उसमें पैसे जमा कर सकते हैं और उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज कर पाते हैं, ताकि जब बच्ची जब 18 साल की हो जाए या उससे आगे जाए, जब उसे नौकरी के लिए या किसी और काम के लिए ज़रूरत पड़े तो उसको वो पैसे मिल पाए। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना में स्कूल ट्यूशन फीस में छूट के साथ ही बालिका को 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। जिस परिवार में एक ही लड़की है उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही बालिका सरकारी स्कूल की छात्रा हो, जिन छात्राओं में 10वीं कक्षा में 60% या 6.2 CGPA प्राप्त किया हो, वो बालिका इस योजना की पात्र होंगी। बालिका समृद्धि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 15 अगस्त 1997 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की बच्चियों को दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। लड़की के जन्म से लेकर 10वीं की कक्षा तक 500 से 1000 रुपए तक राशि दी जाएगी। राज्य सरकारों ने भी बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए कई योजनाएं चलाई है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेटियों को एक नया तोहफा दिया। 28 अप्रैल 2017 को गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटी के परिवार वालों को 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा।
यूपी में पुरुष महिला लिंगानुपात सुधारने के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। भाग्यलक्ष्मी योजना को मनी फॉर गर्ल चाइल्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। बेटी के जन्म पर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। बालिका समृद्धि योजना है, लाडली स्कीम है, धनलक्ष्मी स्कीम है, तो डिफरेंट राज्यों के सरकारों ने भी अलग अलग तरीके के स्कीम्स को भी लॉन्च किया था। जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है आपके मध्य प्रदेश में, उसी तरह कर्नाटका की भाग्यश्री स्कीम है, माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, और पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प योजना है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने निकाले हुए हैं ताकि लड़कियों को इससे बेनिफिट मिले। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा कई अन्य राज्यों और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो बेटी के जन्म और बेटी की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं, जिनमें बेटी है अनमोल, रक्षक योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और मुख्यमंत्री कन्या दान योजना सहित लाडली योजना प्रमुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।